जिला के अर्की से कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी ने आज निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी अर्की शहजाद आलम के समक्ष नामांकन भरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर संजय अवस्थी का उत्साह बढ़ाने के लिए अर्की पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सोलन विधानसभा के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद राठौर ने कहा कि रूठे हुए लोगों को मनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 4 साल में सरकार हर जगह विफल नजर आई है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जनमानस के मनपटल में स्थापित हो चुके हैं। इस सरकार को सबक सिखाने का जनता के पास इससे अच्छा मौका नहीं है। विस्तार से सुनिए क्या कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का। बसों की कोई कमी इस प्रदेश में नहीं है। पिछले 4 वर्षों में ये सरकार हर जगह पे हर मोर्चे पे असफल नजर आई, और आज तो ये आलम है कि लगता है कि कोई सरकार नाम की चीज नहीं। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था जो है बड़े लचर हालात में, विकास कहीं हो नहीं रहा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनमानस के मानस पटल में जो है स्थापित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि उन्होंने बहुत गलती की है 4 वर्ष पूर्व इस सरकार को सत्ता में लाएं और ये जो है भूल को सुधार करने का मौका है। हालांकि मुझे लगता है, मुझे मालूम है कि अगर हम ये चुनाव जीतेंगे भी तो सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इनके पास बहुमत है। लेकिन अगली जो हमारी 2022 की लड़ाई है, उसके लिए हमारा जो है मार्ग प्रशस्त होगा और इस सरकार को सबक सिखाने का जनता के पास इससे अच्छा मौका है। कुछ रुष्ट हुए हैं लोग, उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष से वो शिकायत कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं, वो भी कोई हमारे परिवार से अलग नहीं है। हो सकता है उनको क्षणिक रोष हो, हमारा अंतिम समय तक प्रयास रहेगा कि हम उनसे बात करें और हमारे जो यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ नियुक्त हुए सभी वरिष्ठ नेता हैं, चैंडल साहब है और लोग हैं, ये सब मिलकर बात करेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी लोग जो है इकट्ठे। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 के साथ।